गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज हम बात करेंगे अबाउट हेयर केयर रूटीन। ओके, सो आप सबके भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि हेयर केयर की वीडियो लेके आओ। एक्चुअली आज हम बात करेंगे अबाउट हेयर फॉल। ऑलमोस्ट सबकी यही प्रॉब्लम है, हेयर फॉल। ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे हेयर केयर के वीडियो बनाए हुए हैं विथ नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, आप मेरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एंड आपके कॉमेंट आते थे हेयर केयर फॉर 12 to 15 ईयर्स ओल्ड गर्ल, दी हेयर केयर रूटीन फॉर 13 to 18 ईयर्स ओल्ड गर्ल। सो ऐसा नहीं है, आप हर डिफरेंट एज ग्रुप में डिफरेंट हेयर केयर रूटीन फॉलो करें। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ टिप्स जिससे आप अपने हेयर के बारे में और भी अच्छे से जान पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स रन द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूँ, हेयर फॉल एंड हेयर लॉस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आपके हेयर बंच में निकल रहे हैं डैट मीन्स यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको अपने हैबिट्स को चेंज करना होगा, अदरवाइज हेयर फॉल से होता है हेयर लॉस। फर्स्ट, अवॉइड यूजिंग टू मच केमिकल। जैसे आप जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या फिर हेयर प्रोडक्ट, उसमें पैराबिन, सल्फेट या मिनरल ऑयल और भी बहुत सारे केमिकल होते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑल्सो आप स्ट्रेटनर, हेयर ड्रायर एंड हीट ना लगाएं। जब भी आप शैम्पू करते हैं आप अपने बालों को नेचुरली तरीके से ड्राई होने दें। अब हम बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन। हमारे पूरे बॉडी के साथ साथ हेयर के लिए भी ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी ज़रूरी है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू ऑयलिंग करने वक्त आप अपने स्कैल्प पे काफ़ी अच्छे से ऑयल से मसाज कीजिए, या फिर मॉर्निंग में या फिर नाइट में सोने से पहले फिंगर टिप की मदद से आप अपने पूरे स्कैल्प पे 5 to 8 मिनट के लिए मसाज कीजिए। इससे आपके हेयर ग्रोथ होंगे, हेयर फॉल डिक्रीज होगा। रात को सोने से पहले आपको अपने बालों की चोटी बना के रखनी है। पौने या फिर हेयर खुले होने से भी हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम होती है। डेली आपको अपने बालों में कोम करना है, इससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेंगे। और ट्राई करें आप वुडन कोम यूज़ कर सकें। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपना कंघे किसी के साथ शेयर नहीं करना है और ना ही किसी और का कंघे आप खुद यूज़ करें। अपने बालों के साथ मार्केट का अलग अलग प्रोडक्ट लगाकर एक्सपेरिमेंट कम करें या फिर ना करें। स्ट्रेस, इससे जितना दूर रहे उतना बेटर है हमारे लिए, बट हम सभी की लाइफ में अपना अलग अलग प्रॉब्लम होता है। सो इससे बचने के लिए योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन करें। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। आपको अपने बेडशीट्स एंड पिलो के कवर हर 3 दिन बाद चेंज करना है, इससे आपके स्किन एंड हेयर इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर आप रोज़ बाहर जाते हैं तो अपने बैग में एक स्कार्फ जरूर रखें। अपने फेस के साथ साथ हेयर को भी कवर करना काफ़ी ज़रूरी है, इतने सारे पॉल्यूशन एंड सनलाइट के कारण हमारा हेयर काफ़ी रफ एंड डैमेज हो जाता है। सो या गाइस, इट्स माय टुडेस वीडियो एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अबाउट स्किन केयर। आई नो सबके फेस पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, किसी को पिंपल्स, किसी को एक्ने, किसी को डार्क स्पॉट, किसी को डार्क सर्कल। सो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगी अबाउट स्किन केयर रूटीन। एंड आई नो आप लोग भी काफ़ी टाइम से बोल रहे हो स्किन केयर एंड हेयर केयर पर वीडियोज़ लेके आने के लिए। सो मैंने सोचा चलो पहले हेयर केयर पर वीडियो बनाते हैं फिर स्किन केयर पर बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट था हेयर केयर के लिए। सो या इट्स माय टुडेस this video and I really hope you like this video. If so, please do like, share and subscribe to my channel. Also press the bell icon for next video. I will see my next video with my next topic. Till then, bye bye, take care.